लगातार प्रशासन की ओर से ठंड के मद्देनजर लोगों को राहत देने के कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं पर नगर निगम की ओर से गोरखपुर के रैन बरसूरों में फिलहाल कोई नई व्यवस्था लागू नहीं हुई है। नई व्यवस्था का मतलब जो व्यवस्था पिछली ठंड में चल रही थी वही अभी भी मौजूद है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी इन रैन बरसूरों में मुसाफिरों का आना जाना लगा रहेगा। ऐसे में नगर निगम इन रैन बसेरों के लिए कोई नई व्यवस्था करता है या नहीं, या तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जब इस समय रैन बसेरों की हालत देखी गई तो मामला वही पुराना और बुरा हुआ लग रहा है। कुछ भी नगर निगम की ओर से नया नहीं किया गया है। नगर निगम की उदासीनता के बारे में रैन बसेरे में कार्यरत एक कर्मचारी अशोक कुमार सिंह का कहना है। पहले वाली व्यवस्था जो है वही है, तो पुराने रजाई थे, कंबल जो भी है, अभी इधर कोई व्यवस्था नहीं हुई है। नहीं कोई अधिकारी नगर निगम का आया है यहाँ पर? अभी तक नहीं आया। क्या लगता है, लापरवाही है उनकी? लापरवाही तो है। नवंबर में सारा रेंट पेंट सब हो जाता था और नवंबर बीत गया और दिसंबर में आज आपका 7 तारीख हो गया, अभी तक कोई नहीं आया। नहीं, कि परसों एक आदमी आए थे कि रंगाई पोताई करवाना है, हम लोग 2-4 दिन में अब आएंगे। अलाव की व्यवस्था कुछ थी? अभी कुछ नहीं है। अलाव 10 तारीख तक हर दिसंबर में शुरू हो जाता है। यात्री आते हैं यहाँ रुकने के लिए? लोग आते हैं यहाँ। हाँ, 2-4 लोग अभी आ ही रहे हैं। कुछ शिकायतें हैं उनकी? कौन शिकायत, हम लोग उनकी शिकायतें खुद हम लोग दूर कर देते हैं। नगर आयुक्त से बात हुई तो क्या उन्होंने बोला? नगर आयुक्त साहब तो अभी तक नहीं किसी को भेजे। मतलब कमी है नगर निगम के द्वारा यहाँ? कमी दिखती है नगर निगम के द्वारा यहाँ? कमी है अभी? कमी है इस साल तो कमी है। अभी वक्त छोटे से